Chapter 10, the chapter name is International Business. Dear students, in this chapter, we are going to study meaning and nature of international business, advantages of international business, disadvantages of international business, export trade, import trade, and WTO World Trade Organization. As we know, in the last chapter, we have learned that the buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country. जब हम एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं दैट इज नोन एज द इंटरनल ट्रेड. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेशनल ट्रेड. लेट्स स्टार्ट. इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री. इंटरनेशनल बिजनेस रेफर करता है उन बिजनेस एक्टिविटीज को दैट टेक प्लेस जो होती हैं बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स. एक कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर होती हैं. ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द इंटरनेशनल बिजनेस. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न्ड कि इंटरनल ट्रेड किसको रेफर करता है. रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री. जब हम एक कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट के अंडर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं दैट इज नोन एज द इंटरनल ट्रेड. एंड इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री. इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें केवल गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरनेशनल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल पर्सनल टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स नोहो एंड कॉपीराइट्स. अगेन लिसन. इन इंटरनेशनल बिजनेस इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल पर्सनल टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स नोहो एंड कॉपीराइट्स. इन द वर्ड्स ऑफ रॉजर बेनेट इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स कमर्शियल एक्टिविटीज. इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है कमर्शियल एक्टिविटीज दैट क्रॉस जो क्रॉस कर जाती हैं नेशनल फ्रंटायर्स हमारे नेशनल फ्रंटायर्स को. इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स कमर्शियल एक्टिविटीज दैट क्रॉस नेशनल फ्रंटायर. द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट्स आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आर एस फॉलोज. फर्स्ट वन इज द इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज. इंटरनेशनल बिजनेस इज पॉसिबल. इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल है ओनली वेन देयर आर ट्रांसेक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. जब ट्रांसेक्शन होती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. सेकेंड वन इज द यूज ऑफ फॉरन एक्सचेंज. एवरी कंट्री हैज इट्स ओन डिफरेंट करेंसी. हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है लाइक इन इंडिया रूपी यूएसए डॉलर. This gives rise to the problem of exchange of currencies. As foreign currencies is used in making transaction, this gives rise to the problem. ये problem rise करती है of exchange of currencies. Currencies को exchange करने में as foreign currency is used. इसलिए foreign currency use की जाती है in making transactions. Transactions को करने के लिए. The third one is legal obligation. Each country has its own law. सभी countries के अपने law हैं regarding foreign trade के regarding which have to be complied with. जिनसे उनको सहमत होना पड़ता है. Further there is more government का intervention हर shape भी बहुत ज्यादा रहता है. In case of international transactions में international लेन देन में high degree of risk. International business faces huge risk. International business face कर रहे हैं huge risk को ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंसिस होने के कारण रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन टू करेंसीज में वैल्यू फ्लक्चुएट होने के कारण फियर ऑफ ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस मीन्स लॉस ऑफ एसेट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. सो दीज आर द हाई डिग्री ऑफ रिस्क दैट आर कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ फिफ्थ वन इज द हैवी डॉक्यूमेंटेशन. इट इज सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज. फॉर्मेलिटीज बहुत सी करनी पड़ती हैं. मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फाइल्ड. बहुत से डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं
and dispatched to the other party. And sixth one is the time consuming. The time gap between sending and receiving of goods and payment is wider. बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है गुड्स को भेजने में एंड रिसीव करने में और गुड्स एंड सर्विस एंड पेमेंट एज कंपेयर टू इनलैंड ट्रेड के कंपैरिजन. एंड सेवंथ वन इज द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट. इट लैक्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर. रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट्स आर द रीजंस फॉर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस. द इंटरनेशनल बिजनेस is needed due to the following reasons. The first one is the uneven distribution of natural resources. We know, hum jante hain, all the countries cannot produce equally well or cheaply due to uneven distribution of natural resources. Sabhi countries produce nahi kar sakti equally ek jaisa well or cheaply sasta product due to uneven distribution of natural resources. Kyunki natural resources ka jo distribution hai wo equal nahi hai among them उनके बीच में और differences in their productive level, जो productive level है वो भी differ है. As a result, they exchange their surplus, वो exchange करते हैं surplus more than they need, जो जितना ज्यादा होता है उनकी जरूरत से जो production extra होता है with goods, उन goods के साथ that they are short supply in their country, जिनकी उनकी country में कमी है. Second, availability of factors of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अवेबिलिटी. वी नो देर आर मेनली फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन एडिशन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डिफर अमंग नेशन. द वेरियस फैक्टर्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग जो हमारे को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए डिफर, वो भी डिफर है अमंग नेशंस सभी कंट्रीज के बीच में. थर्ड वन इज द स्पेशलाइजेशन. सम कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच दे हैव सम एडवांटेजेस लाइक एडवांस टेक्निकल नो हो, हाई लेबर प्रोडक्टिविटी, सुटेबल क्लाइमेट. कुछ कंट्रीज स्पेशलाइज हैं इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को करने में जिनकी फॉर विच दे हैव सम एडवांटेजेस दैट एडवांस, वहां पर जो टेक्निकल है टेक्निक है वो एडवांस्ड है, हाई लेबर प्रोडक्टिविटी लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहां का जो क्लाइमेट है वो उसके अकॉर्डिंग है. फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बेंगाल स्पेशलाइजेस इन जूट प्रोडक्ट्स. एंड फोर्थ वन इज द कॉस्ट बेनिफिट्स. प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू डिफरेंसिस इन सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड पोलिटिकल कंडीशन. जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी डिफर है डिफरेंस कंट्रीज में, किस कारण से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन के कारण. सम कंट्रीज आर इन बेटर पोजीशन, कुछ कंट्रीज अच्छी पोजीशन में है टू प्रोड्यूस सम गुड्स मोर इकोनॉमिकली देन द अदर कंट्रीज, वो दूसरी कंट्री के कंपेरिजन उन गुड्स को मोर इकोनॉमिकली कि कम कॉस्ट में उनको प्रोड्यूस कर लेती है. एज अ रिजल्ट फर्म एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसलिए जो फर्म एंगेज है इंटरनेशनल बिजनेस में टू इम्पोर्ट, उन गुड्स को इम्पोर्ट करती है विच इज अवेलेबल एट लोअर प्राइजेस इन अदर कंट्रीज, जो उनको अदर कंट्रीज से कम प्राइजेस में मिल जाता है. एंड एक्सपोर्ट, उन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं ऑन विच दे कैन फेच बेटर प्राइजेस, जिसका वो अच्छा प्राइस फॉरन मार्केट से ले सकती है. सो दीज आर द रीजन फॉर डूइंग द नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस. द फर्स्ट वन इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड वन इज द अवेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड स्पेशलाइजेशन. एंड फोर्थ कॉस्ट बेनिफिट्स.